पश्चिम बंगाल में किशनगंज के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की मौत का गम उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और रविवार की सुबह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दरअसल अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद लगातार वो बेसुध पड़ी हुई थी और इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकता कि मां बेटे दोनों का अंतिम संस्कार आज एक साथ किया जाएगा। रविवार को करीब 2 बजे दोपहर में गांव में ही दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हृदय विदारक घटना पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गुमला में 8 लोगों पर हमले के आरोपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि आरोपी सीआरपीएफ के जवान ने अपने ससुराल में ही पत्नी और 2 छोटे बच्चे सहित 8 लोगों पर भुजाली से हमला कर दिया था। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। नरेंद्र केरेकेटा लसिया डुमरी का रहने वाला है। वह सीआरपीएफ कैंप हजारीबाग में 122 बटालियन में पदस्थापित था। आरोपी जवान नरेंद्र केरेकेटा की पत्नी मायके में रहती है, जिसे वो लेने ससुराल आया था, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया।